हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉल्ब्स रिएक्शन। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम फिनोल को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेसिक मीडियम जब हम मेंटेन करके रखते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या क्या इसके अदर पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और सैलिसिलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे अपना हो गया ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन या एस्प्रिन। ये सैलिसिलिक एसिड को यूज करके हम कैसे बना सकते हैं वो भी आज ही के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है सबने। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो, कॉल्ब रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली जब हम एक फिनोल मतलब बेंजीन के ऊपर OH, जब हम फिनोल को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेसिक मीडियम हम मेंटेन करके रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, OH की जो ऑर्थो पोजीशन होती है उस पे COH लग जाता है, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड की स्पेलिंग देख लेना एक बार, सही नहीं लिखे यहां पे, सही कर लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हमें मिलता है जब हम फिनोल को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म और बहुत आसान है, CBSE में ये मैकेनिज्म इंक्लूड होता है, तो कोई भी बच्चा ये मत समझे कि ये मैकेनिज्म हम नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिज्म आपके CBSE सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू CBSE, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई फिनोल जो होता है वो एसिडिक होता है, फिनोल जो होता है वो एसिडिक होता है, और हमने मेंटेन कर लिया अपना बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में जैसे ही फिनोल को हम डालने वाले हैं वो सॉल्ट फॉर्मेशन शो करेगा, तो मतलब वो O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Na प्लस लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो आपकी मर्जी, वो तो आयनिक अट्रैक्शन है। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनोलेट। अब ये जो सोडियम फिनोलेट है ये फर्दर एक रेजोनेंस शो करता है, हमें पता है सोडियम फिनोलेट रेजोनेंस शो कर सकता है, तो उसकी रेजोनेंस करवा देते हैं। देखो, O नेगेटिव लिख रहा हूं मैं सिर्फ, O नेगेटिव क्या करता है, अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है, ये बॉन्ड तोड़ के चार्ज इस कार्बन को दे दिया जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। अब ये कंपाउंड एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और अटैक कर देता है किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। अटैक किस पे कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब देखो, कार्बन के आसपास दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, तो अपना ये जो नेगेटिव चार्ज आया था इसने जाके कार्बन पे अटैक कर दिया। जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन के तो ऑलरेडी चार बॉन्ड बने हुए, तो वो किसी एक बॉन्ड को तोड़ के चार्ज किसको ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन को। वो किसी एक बॉन्ड को तोड़ के चार्ज किसको ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन को। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो इस रिएक्शन से मुझे एक इस तरह का प्रोडक्ट मिल गया, डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O। अब देखो इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O तो एज इट इज पड़ा है ना, एक डबल बॉन्ड O एज इट इज पड़ा है, एक क्या बन गया, O नेगेटिव बन गया, एक क्या बन गया, O नेगेटिव बन गया। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब हम इसकी एरोमेटिसिटी वापस रीगेन करवा देते हैं, और हमें पता है हम एरोमेटिसिटी कैसे रीगेन कराएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पड़ा है, वो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से पहले टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एरोमेटिसिटी वापस आने के लिए तो बेसिकली हमें क्या मिला, देखो O नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही O नेगेटिव बनेगा यहाँ पे जो H प्लस रिलीज हुआ था ये उसको गेन कर लेगा। बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने इसकी एरोमेटिसिटी वापस रीगेन कराई तो यहां से एक H प्लस बाहर निकला। ठीक है, यहां से क्या हुआ, एक H प्लस बाहर निकला, वो H प्लस फटाफट कौन गेन कर लेगा, O नेगेटिव। वो H प्लस कौन गेन कर लेगा, O नेगेटिव गेन कर लेगा, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, देखो एक चीज इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं,
एच प्लस ओ नेगेटिव ने गेन कर लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बन गया, ओ एच सी ओ ओ नेगेटिव, क्योंकि हमने बेसिक मीडियम मेंटेन किया हुआ है तो अभी तक ओ नेगेटिव एसिड इस पड़ा है। फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, कुछ एसिड डाल देंगे। एसिड डालने से क्या होगा, जो ओ नेगेटिव है वो एच प्लस गेन कर लेगा और सैलिसिलिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आसान सा मैकेनिज्म है, दोबारा से एक बार देख लो। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अपना जो फिनोल है वो बेसिक मीडियम में जाते ही फिनोलेट आयन बना रहा है। फिनोलेट आयन रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया। उस नेगेटिव चार्ज ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही अटैक हुआ तो COO नेगेटिव लग गया। फिर हमने एरोमेटिसिटी रीगेन करवाने के लिए H को बाहर निकाला इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। जैसे ही H प्लस बाहर निकला, O नेगेटिव ने उसे गेन कर लिया, अपने साथ जोड़ दिया। फिर हमने एसिडिक मीडियम मेंटेन किया ताकि जो COO नेगेटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, COOH में, और तो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है कि भाई ऑर्थो पे ही क्यों लगा, पैरा पे भी तो लग सकता था। जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जब मैंने ये रिएक्शन कराई CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट थे, या तो ये जो COOH है ये ऑर्थो पे लग जाता। पहला प्रोडक्ट क्या पॉसिबल था कि ये जो COOH है ये ऑर्थो पे लग जाता। दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है कि ये जो COOH है ये कहां लग जाता, पैरा पे लग जाता। यही दो पॉसिबल प्रोडक्ट से मैंने सिर्फ आपको ऑर्थो वाला कराया। क्यों, क्योंकि जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वही क्या है, अपना मेजर प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्या है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, अब देखो इसमें हमें ये चीज मिली OHCO नेगेटिव, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुई, देखो हमें ये चीज मिली ना, OHC डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, तो देखो ओ नेगेटिव और एच के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा रिंग बन जाती है। तो जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हो जाता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए क्या बन जाता है, अपना मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये तो है मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब जो सैलिसिलिक एसिड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले आप ये नोट कर लो पूरा, ठीक है, हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है। हम सैलिसिलिक एसिड लेते हैं अपना, सैलिसिलिक एसिड लिया और इसको मैं रिएक्ट करा देता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO OCOCH3। ठीक है, अब देखो मुझे पता है अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। एसिड एनहाइड्राइड प्लस एल्कोहल, एसिड एनहाइड्राइड प्लस एल्कोहल हमें क्या प्रोवाइड करता था, एस्टर। याद करो रिएक्शन करी थी ना, कि अगर हम कोई भी एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं और इसको रिएक्ट कराते हैं किसी एल्कोहलिक कंपाउंड के साथ, अब इसके अंदर दोनों पार्ट्स हैं, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि जो एस्टर बनेगा वो COH के साथ बनेगा या OH के साथ बनेगा। बेसिकली देखो एस्टर में हमें क्या चाहिए होता है, CO चाहिए होता है और O चाहिए होता है, ऐसे ही कुछ पार्ट चाहिए होता है। CO आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से और ये वाला पार्ट आता था एल्कोहलिक पार्ट से। हमने स्टेरिफिकेशन में पढ़ा था ना कि ये जो CO वाला ग्रुप है ये कहां से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये वाला जो पार्ट है ये कहां से आता है, एल्कोहल से। तो अब देखो ये वाला पार्ट तो आपके पास ऑलरेडी है ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला काम आपका हो गया, तो अब एस्टर किसके साथ बनेगा, एल्कोहलिक पार्ट के साथ। एस्टर किसके साथ बनेगा, एल्कोहलिक पार्ट के साथ। तो बेसिकली आपने क्या करना था, इसमें ये बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, और ये CO वाला ग्रुप लगा दो इस ऑक्सीजन के साथ। तो CO वाला ग्रुप लगा दिया मैंने ऑक्सीजन के साथ, देखो एस्टर बन गया CO CH3 COH। इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोबारा से समझ लो एक बार। एस्टर बनना ही बनना है, एस्टर ये होता है COOR,
ये वाला जो पार्ट है CO वाला, कार्बोनिल वाला जो पार्ट है, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, ये वाला पार्ट अल्कोहल से आता है। अब सैलिसिलिक एसिड के अंदर में बस दोनों पार्ट्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट भी है, अल्कोहलिक वाला पार्ट भी है। तो तुम ये देखो कि दूसरे वाले मॉलिक्यूल में तुम कौन सा पार्ट लेके आ रहे हो। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में तुम CO ले आए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला काम हो गया। अब इस सैलिसिलिक एसिड से तुम्हें कौन सा पार्ट लेना है, अल्कोहल वाला, तो मैंने अल्कोहल वाले के साथ एस्टर उसकी बना दी। कोई डाउट, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये नोट कर लो इसका मैकेनिज्म और उसके बाद ये पॉइंट्स नोट कर लेना। सैलिसिलिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एज इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब ये ऑर्थो नहीं है, ये ओ है, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है, एसिटाइल ग्रुप, तो ओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमने लिया था, सैलिसिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ एसिटाइल ग्रुप लग गया, ओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका, एस्पिरिन या आयुपैक नेम है, ठीक है। और एस्पिरिन यूज होता है मेडिसिन्स में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ये एक एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीविंग। एंटीपायरेटिक होता है, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम करता है, रिड्यूसिंग फीवर। और एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट भी काम कर सकता है, एंटी इंफ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग को कम कर देता है, जो इंजरीज के कारण कुछ स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें हेल्प करता है उसको कम करने में, ठीक है। कोई डाउट? तो एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ये आपके CBSE की, आप इसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद एक तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारा है सेलोल, फिनाइल सैलिसिलेट और मिथाइल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। एस्पिरिन तो हमने बना लिया, अब हमने दो कंपाउंड्स और बनाने हैं, एक सेलोल और एक मिथाइल सैलिसिलेट, जिसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब देखो मैं मिथाइल सैलिसिलेट बना के आपको दिखाता हूं। मिथाइल सैलिसिलेट में हमने क्या करना होता है, देखो यहीं से देख लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड लिया, ये वाला पोर्शन मैंने आपको पहले ही करा दिया कि एस्पिरिन कैसे बनता है। अब अगर मैं अल्कोहल से रिएक्ट कराता, बेसिकली क्या हो रहा है, मैं सैलिसिलिक एसिड ले रहा हूं OH COH, ठीक है, ये अपना है सैलिसिलिक एसिड। पहले मैंने लिया था एसिटिक एनहाइड्राइड, अब मैं ले लेता हूं एक अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे पता है कि बनना तो एस्टर है, बनना तो एस्टर है, सैलिसिलिक एसिड में दोनों पार्ट हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सेकेंड मॉलिक्यूल में मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल। अगर सेकेंड मॉलिक्यूल में मैंने अल्कोहल ले लिया तो फर्स्ट पार्ट कौन सा रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट रिएक्ट कराना पड़ेगा ताकि क्या बन जाए, एस्टर बन जाए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एस्टर बनाते हैं तो क्या बाहर निकालते हैं, OH, तो यहां से OH बाहर निकाल देता हूं और अल्कोहल से H बाहर निकाल देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, एस्टर बन गया। तो ये क्या बन गया, मिथाइल सैलिसिलेट, क्या बन गया ये, मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है। और ये तो आयुपैक नेम है और कॉमन नेम क्या है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ये कैसा एजेंट है, ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको, मिथाइल सैलिसिलेट को, ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे मिथाइल सैलिसिलेट की जगह फिनाइल सैलिसिलेट बनाना हो, क्या बनाना हो, फिनाइल सैलिसिलेट, तो बताओ कैसे बनाओगे। देखो मैंने मिथाइल सैलिसिलेट बना दिया, मिथाइल सैलिसिलेट मतलब ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन तो बना दिया, एस्पिरिन में बना चुका। अब मुझे तीसरा इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव बनाना है, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट मतलब मुझे अब फिनाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिनाइल ग्रुप। तो बस क्या करो, अभी मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया था तो मिथाइल सैलिसिलेट बन गया। अब अगर मैं फिनाइल ले लूं, मिथाइल की जगह क्या ले लूं, फिनाइल मतलब C6H5OH, इससे रिएक्ट करा दूं सैलिसिलिक एसिड को, ठीक है। अगर मैं इससे रिएक्ट करा देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो फिर से देखो मैंने सेकंड प्रोडक्ट में अल्कोहल लिया तो फर्स्ट पार्ट से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चूज करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर, अल्कोहल का H बाहर, क्या बन जाएगा, CO C6H5, क्या बन गया अपना, फिनाइल सैलिसिलेट। अच्छा फिनाइल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, थोड़ा सही कर लो इसे, फिनाइल सैलिसिलेट, कोई डाउट, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड से। दोबारा से समझ लो एक बार, अगर हम रिएक्ट कराते हैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तब तो एस्पिरिन बनता है,
मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे तो मिथाइल सैलिसिलेट बनेगा। मिथाइल सैलिसिलेट क्या है? एक फ्लेवरिंग एजेंट है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन उसका कॉमन नेम है। अगर फिनाइल से रिएक्ट कराओगे, फिनाइल सैलिसिलेट बनाना है तो फिनाइल अल्कोहल मतलब फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, मिथाइल की जगह मैंने फिनाइल ग्रुप ले लिया, तो फिनोल से जब मैं रिएक्ट कराता हूं तो फिनोल से रिएक्ट कराने पर मुझे मिलता है फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट क्या होता है? एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है जिसका नाम सेलोल है। कॉमन नेम क्या है? सेलोल। कोई डाउट? ठीक है, तीनों पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो हम कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे तरह से नोट करो, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ। ठीक है।